बता दिया, इसको तो ना बताए, एक को बता दिया एक को ना बताया, इसको नहीं बनाया वो इनका नहीं होगा। इसमें अब साफ वाली बात जो आज हमने पढ़ा उसमें तो ये बात नहीं आई। नहीं, वो तो सजदे की बात हुई ना कि सजदे का अल्लाह ने कहा। मैंने समझा कि सजदे का कहा ना कि सजदा करो, इलम वाली बात ठीक। चलो और भी कोई बात करें। और इसमें एक गैब का आया जी, अल्लाह ताला किसी को गैब बता नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा इस शायद को हमारे बेलवी भाई पढ़ के तमाम गैब साबित कर देते हैं और दाखिल होते हैं कि दूसरी आयत होती है कि अगर मैं गैब जानता तमाम भलाई अपने इस पास जमा कर लेता भाई, उसको पढ़ के गाल कर देते हैं बेचारे तो हाथी हो इधर उधर के रहते हैं। बस पढ़नी तो सारी आयतें चाहिए ना, सबको पढ़ के फिर नतीजा निकालना चाहिए। एक ग्रुप वो पढ़ता है, नहीं ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए अल्लाह की किताब के साथ, ये ना खेल नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह ताला कहता कि आलमुल गैब मैं, ज़मीन और आसमानों में गैब कोई नहीं जानता, तो साथ ही ये बताता कि जब मैं बतला देता हूँ किसी को तो उतनी बात का उसे पता चल जाता। ये कुरान मजीद को बरेलवी अहल हदीस से निकल कर को पढ़ेगा ना साफ बात नज़र आएगी कि इल्म गैब किसी के पास नहीं अल्लाह के पास है। वो जब बताता है बिल्कुल ठीक, वो बताया हुआ इल्म जो है ना उसको फिर यूँ कर देना कि सब जानते हैं